टू द क्रेव हर्मिट शो। मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं रविशंकर ओझा जी एंड विजय शंकर ओझा जी के साथ। ये हमारे पटना बिहार से ही हैं और इनकी कंपनी का नाम है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। इनकी कंपनी बेसिकली आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करती है और ये लोग बेसिकली अपने कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का यूज़ करके प्रमोट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग का एक कंसेप्ट होता है जिसमें पर्सन टू पर्सन एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की जाती है। पटना बिहार में जहां आज के तारीख में बहुत सी कंपनियां बंद पड़ जा रही हैं, वहीं पटना बिहार की मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे भारत में अपना पैट जमा रखा है। उनकी कंपनी का बेसिकली कहना है कि वो लोगों के तन पे काम करते हैं और वो लोगों के धन पे काम करते हैं। तो किस तरह से वो ये सारा काम कर पाते हैं, हम लोग ये सारी बातें जानेंगे मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड ओनर रविशंकर ओझा जी एंड विजय शंकर ओझा जी के साथ। सभी जनों को प्रणाम, छोटों को प्यार, हम दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हम दोनों भाई ने आयुर्वेदिक क्षेत्र में ऑलरेडी जबरदस्त क्रांति की शुरुआत बिहार की धरती पटना से शुरू किया है। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सभी नौजवान साथी स्टार्टअप की शुरुआत करें और वैसा स्टार्टअप की शुरुआत करें ताकि बहुत सारे नौजवान साथी को उसमें रोजगार मिले। और दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनके सपने को साकार करने के लिए, साथ साथ अपने को सपने को साकार करने के लिए हम दोनों भाई ने मिलकर एक जबरदस्त क्रांति की शुरुआत किया है। और बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि जिस क्रांति की हमने शुरुआत किया उस क्रांति का नाम मैक्सवेल हर्बल क्रांति, यानी उस कंपनी का नाम मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों 11 जुलाई 2018 को पटना से हम लोग रजिस्टर्ड किए हैं। और दोस्त बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हम लोग ने कदम रखा है। वैसा वेद जो आयु को बढ़ा दे उसे आयुर्वेद बोलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर में आयुर्वेद क्या है। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसा वेद जो आयु को बढ़ा दे उसे आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद हजारों साल पुराना पत्ती है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी दबा चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना क्या है कि उस आयुर्वेद को हम लोग को उजागर करना है। और दोस्तों उस आयुर्वेद का हम लोग सेवन करके हम लोग अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, आयुर्वेद वैसा पत्ती है जिसका सेवन करके हम लोग अपने आयु को 125 साल प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आयुर्वेद को अपनाते नहीं हैं। दोस्त आपको बता दें, जो हल्दी और पानी है, हल्दी पानी पीने से हम लोग का स्टेमिना डेवलप होता है, जो हल्दी पानी हम लोग नहीं पी पाते हैं। तुलसी जी का पत्ता सेवन करने से कैंसर से घातक बीमारी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और होता भी है, ऑलरेडी तुलसी का हम लोग सेवन नहीं करते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का सेवन सभी लोगों को करना चाहिए। तो हम लोग का सोच शुरू से रहा है कि वैसा काम करें ताकि हम लोग को भी लाभ हो और हमारे साथ हजारों लाखों नौजवान साथी और जितने भी जिनका सपना लेकर है उनको भी 100% लाभ हो। और दोस्त मैक्सवेल हर्बल क्रांति की जो शुरुआत हम लोगों ने किया है, बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मात्र एक साल में जबरदस्त क्रांति हुई है। गांव-गांव में इस कंपनी का लहर हो चुका है। और सबसे बड़ा हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि माननीय ऑलरेडी रामविलास पासवान साहब, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत कम समय में हम लोग का नाम ऑलरेडी MCA में रजिस्टर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सीरियल नंबर 368 में माननीय रामविलास पासवान साहब ने ऑलरेडी हम लोग का नाम रजिस्टर कर दिया। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी लोग आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद के सेवन करने से क्या रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं जो 100% कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, विजय शंकर ओझा जी। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि विजय शंकर ओझा जी आप लोगों को जानकारी बहुत बारीकी से देते हैं कि बिना दवा का आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। और दोस्त आपको बता रहे हैं कि होता क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, प्रिकॉशन लिया जाता है। आप देखते हैं टीकाकरण जो होता है, पोलियो जो है हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी घातक बीमारी हो गई थी, पोलियो का ऑलरेडी ड्रॉप देना हम लोग शुरू किए और देखिए पोलियो पर नियंत्रण पाया जा सका। तो दोस्तों हम लोग मैक्सवेल हर्बल कंपनी के माध्यम से जानकारी देते हैं कि आप ऑलरेडी फूड सप्लीमेंट का सेवन करके आप 100% कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे समृद्ध रहेंगे, ये हम लोग जानकारी देते हैं। तो आगे की जुबानी हमारे छोटे भाई विजय शंकर ओझा जी के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जिस चीज़ के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं वह पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि आज सबसे बड़ा समस्या जो है वह है क्या, बेरोजगारी है और बीमारी है। और आज एक बात हमको कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि हर इंसान चाहता है कि उसको रोजगार मिले, लेकिन प्रयास कर रहा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है। और हर इंसान चाहता है कि हम स्वस्थ रहें लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी उसको पकड़े हुए है। आखिर में बेसिक कारण क्या है?
तो सबसे पहले दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अगर हम लोगों से चर्चा करते हैं कि बताइए इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज है वो है रुपया, पैसा। लोग बोलता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन दोस्त अगर देखा जाए तो रुपया से भी सबसे कीमती चीज है अगर जिस पे ध्यान दिया जाए। तो लोगों से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर रुपया पैसा से कीमती क्या है, वो होता है समय। लेकिन दोस्त यह बताते हुए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे और बताते हुए जानते हैं हमको खुशी भी हो रहा है कि बड़े बड़े लोग आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के पीछे पागल हैं, लेकिन दुनिया का वास्तविक सुख जो है वह सबसे बड़ा चीज जो है वह स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ना सबसे बड़ा आज के डेट में अगर देखा जाए तो ना सबसे बड़ा पैसा है धन है, और ना सबसे बड़ा देखा जाए तो समय है, क्योंकि कहा गया है कि एक नंबर पर है तो वह तन है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, यानी पैसा चाहिए तो पैसा दो नंबर पे चाहिए, एक नंबर पे पहले तन अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोगों का ध्यान क्या है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और एक बार बीमारी आ गया तो वही जाए पैसा जाए पैसा जाए पैसा, लोग परेशान है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि ये बात समझना है कि इंसान लेता क्या है। आज जो हम लोग बीमार हो रहे हैं तो आखिर में आज हम लोग ले क्या रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने इसका नाम मैक्सवेल ही क्यों रखा, मैक्सवेल रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ये जो है मैक्सिमम सबसे मैक्स बना हुआ है, मैक्स मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वेल मतलब होता है अच्छा, और हर्बल मतलब होता है आयुर्वेद। यानी हमारी कंपनी का जो मुख्य ध्येय है मेन मिशन है कि आयुर्वेद के माध्यम से ज़्यादा लोगों को अच्छा करना है, स्वस्थ करना है। तो दोस्त हम आपको बताना चाह रहे थे थोड़ा आयुर्वेद को समझाने से पहले कि वाकई में आज जो हम लोग परेशान है बीमार है उसका मेन कारण क्या है, तो इंसान लेता क्या है। हर इंसान अगर देखा जाए तो तीन चीज लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है और भोजन लेता है। अब रहा बात अगर देखा जाए हवा का, तो हम लोग जो हवा ले रहे हैं वह सबसे बड़ा बात क्या है कि आज हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। अगर देखा जाए तो लोग तरह तरह का जानते हैं फैक्ट्री बैठा रहे हैं, हर किसी के घर में बाइक है कार है, आजकल फैशन है कि लोग बाइक कार से चलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन किसी से पूछिए कि आपने कितना पेड़ लगाया, तो लोग बोला कि यार हमने तो कुछ नहीं लगाया। दादा परदादा भी जब जो पेड़ लगा के गए थे उसको भी लोग कटवा के घर का चौखट किवाड़ बना दे रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमको और आपको जो हवा मिल रहा है वह हवा हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम वहाँ है कि हमारे अंदर हवा शुद्ध नहीं जा रहा है। रहा बात पानी का, तो प्लास्टिक जिस तरह से फैल रहा है देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब हो क्या रहा है ना, कि जो भी चीज़ आ रहा है कचरा उसको धरती के नीचे गाड़ा जा रहा है, तो पानी का भी जल स्तर जो है वो हम लोग को आज की डेट में शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो ना हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है। और रहा बात भोजन का, तो हम और आप जो भोजन करते हैं उसमें इतना ज़्यादा रसायन इतना ज़्यादा खाद का छिड़काव हो रहा है कि हम लोग को जानते हैं भोजन भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि आज तो बीमारी जो है इसी कारण से बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है कि पहले लोग इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, पहले भोजन में जानते हैं इतना ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं होता था। अब हो क्या रहा है कि दिनों दिन ये बढ़ते चला जा रहा है। और दोस्त सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इस चीज़ को अगर हम चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है वह क्या है कि कैसे हमारे अंदर जो ये सारा का सारा जो टॉक्सिन जा रहा है इस टॉक्सिन को हम कैसे निकालें, कैसे इस टॉक्सिन को हम बाहर करें। क्योंकि दोस्त पहले का बात अगर देखा जाए तो पहले लोग जो थे वो 100 साल या 100 साल से ज़्यादा जीते थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले के लोग जो 100 साल या 100 साल से जो ज़्यादा जीते थे वो जीने का मेन रीज़न क्या था, तो बेसिकली बहुत सारा कारण था, लेकिन मुख्यतः तीन कारण जो था वो बहुत ज़्यादा सॉलिड कारण था, जिसमें सबसे पहला कारण था कि पहले के लोग सूर्योदय से पहले उठते थे। लेकिन अब के लोग जानते हैं सूर्योदय के बहुत बाद उठते हैं, अब लेट से उठना फैशन हो गया है, क्योंकि लोग जानते हैं फेसबुक पर चैटिंग में बहुत सारे चीज़ों पे इन्वॉल्व रह रहे हैं, जिसके कारण जानते हैं उनका लाइफ स्टाइल जो है इस तरह बन चुका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट से उठते हैं। तो पहले के लोग सूर्योदय से पहले उठते थे, लेकिन अब के लोग सूर्योदय से बहुत लेट उठते हैं। आज अगर मजाक में अगर किसी से पूछा जाए कि आपने सूर्योदय देखा है नया पीढ़ी के लड़के से, तो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ हमने देखा है। बोले कब देखे हैं, तो साल में दो बार जब छठ पूजा होता है तो एक शाम के समय देखे हैं सूर्योदय को उगते मतलब अस्त होते हुए सूर्य भगवान को, और एक बार जो कि सूर्योदय में जो छठ पूजा होता है तो सूर्य को निकलते हुए, यानी कि साल में अगर देखे हैं तो दो बार देखे हैं। ये नई पीढ़ी की सच्चाई है। सबसे पहली बात क्या है कि पहले के लोग क्या थे कि एक्सरसाइज करते थे, पसीना बहाते थे, पहले लोग मेहनत करते थे। अब फैशन हो गया है कि लोग अपने दरवाजे पे बाइक पे बैठते हैं और दूसरे के दरवाजे पे उतर जाते हैं, कोई श्रम करना नहीं चाहते हैं।
घर में भी लोग अगर देखा जाए महिलाओं को तो मसाला जो है वह पीस के जानते बनाना पसंद नहीं करती हैं। वह चाहती क्या है कि भूखा हुआ मसाला है, पिसा हुआ मसाला है, यानी कोई शरीर नहीं लगा रहा है। अगर आज हकीकत अगर किसी से पूछा जाए नई पीढ़ी लड़कों से कि अगर आपका पसीना कभी निकला है तो लोग मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ पसीना निकलता है, कब, जब लाइन कट जाता है तब। तो बताइए अगर उस तरह का पसीना निकलेगा तो उससे क्या स्वास्थ्य होगा। और इतना ही नहीं दोस्त, आज सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले के लोग सूर्योदय से पहले उठते थे, क्या करते थे कि शारीरिक श्रम भी करते थे, देह से पसीना भी निकालते थे। और सबसे लाजवाब बात क्या था कि पहले के लोग अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करते थे। पहले क्या चलता था, पहले जड़ी बूटी चलता था और पहले कोई डॉक्टर नहीं होते थे, पहले वैद्य हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पुरानी पद्धति जो स्वास्थ्य की है, चिकित्सा की है, वो आयुर्वेद है, जो कि आज से हजारों लाखों साल पहले की पद्धति है। और हकीकत है दोस्त कि आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जिसको अपना के हर कोई स्वस्थ हो सकता है। तो वाकई में मैक्सवेल क्या करती है, मैक्सवेल हम लोग का मेन, मैक्सवेल के माध्यम से है क्या कि हमारा आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों को ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि भाई देखिए आज जो हम लोग के पास जो तरह से अलग अलग जगहों से जो टॉक्सिन आ रहा है, जो जहर आ रहा है, इस जहर को हम लोग कैसे कम करें, उसके लिए हमारे पास है माई पंच तुलसी। हमारे पास जो माई पंच तुलसी है वो पांच तरह की तुलसी है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, काली तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। ये पांच तरह के तुलसी का अर्क है, इसको अगर सुबह शाम अगर आप पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉक्सिन बाहर जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आज खान पान इतना खराब है कि हर किसी को गैस है, परेशानी है, तरह तरह का लोगों को जानते हैं पेट की समस्या है, उसके लिए हमारे पास एलोवेरा जेल है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि बहुत जगहों पर देखिएगा कि एलोवेरा जूस है, लेकिन हमारी कंपनी है जो एलोवेरा जेल को आज के डेट में प्रमोट करती है। एलोवेरा जेल का खासियत क्या है कि ये जेल फॉर्म में रहता है, गाढ़ा फॉर्म में है, और पेट संबंधी कोई भी समस्या हो तो आपको उस समस्या को दूर कर देगी। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहें कि हर इंसान के शरीर में 63 खड़ग कोशिका होता है दोस्त, 63 खड़ग कोशिका होता है। और हम लोग सोचते क्या है कि आदमी बीमार हो गया, तो सबसे पहले बात क्या है कि आदमी बीमार नहीं होता है, उसके अंदर की कोशिका बीमार होती है। पहले लोग जानते हैं, पहले लोग क्या बताते थे कि बीमार होइए तो दवा खाइए, लेकिन आज का जो आधुनिक चिकित्सा है वो बताता है कि क्या खाइएगा कि बीमार नहीं होइएगा। तो हम लोग जो प्रमोट करते हैं, हम लोग जो लोगों को बताते हैं कि आप क्या खाइएगा कि बीमार नहीं होइएगा। आखिर में अगर जब बीमार हो गया, यानी मान लीजिए अगर आपको बताया जाए ये चोरी हो जाए तो ताला लगाइए, तो क्या फायदा, जब चोरी हो गया उसके बाद अगर आपने ताला लगाया ही तो क्या फायदा हुआ, यानी जब बीमार हो गए उसके बाद दवा खा ले तो क्या फायदा हुआ। हम आपको बताते हैं कि क्या खाइएगा कि बीमार नहीं होइएगा। यानी अब आपको लिए कि सर आप जो बात बोल रहे हैं उस बात को क्या आप 100% गारंटी दे सकते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि खाइएगा तो बीमार नहीं होइएगा, तो हम आपको प्रमाणित कर सकते हैं कि आप जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस खाइएगा तो उससे बीमार नहीं होइएगा। हम आपको ऐसा नहीं कि हम कोई दवा बता रहे हैं, हम आपको जानते हैं फूड सप्लीमेंट बता रहे हैं, और बेसिक प्रॉब्लम है कहाँ उस बात को समझिए। छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे, एक बार बताइए मान लीजिए कि दीवाल है, अगर दीवाल पूछा जाए कि दीवाल किस चीज़ से बना है तो दीवाल बनता है सीमेंट से, छड़ से, गिट्टी से, ईटा से, बालू से। अगर दीवाल का उम्र अगर हमको 100 साल चाहिए तो एक नंबर का सीमेंट, एक नंबर का छड़, एक नंबर का गिट्टी, एक नंबर का ईटा, एक नंबर का बालू अगर मिलेगा तो दीवाल का जो उम्र है वह 100 साल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमको दीवाल 100 साल का चाहिए तो एक नंबर हमको सारा चीज चाहिए। उसी तरह से आज के विज्ञान के हिसाब से हमारा शरीर किस चीज से बना है, तो हमारा शरीर बना है सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, सिस्टम से और बॉडी से। यानी हमारा सेल अच्छा रहेगा, हमारा टिश्यू अच्छा रहेगा, हमारा सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा ऑर्गन अच्छा रहेगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, ये जो 5 चीज है कि सेल कैसे अच्छा रहे, उसके अलावा टिश्यू कैसे अच्छा रहे, ऑर्गन कैसे अच्छा रहे, सिस्टम कैसे अच्छा रहे और बॉडी कैसे अच्छा रहे। तो इसके लिए करना क्या है कि हम लोग जो खा रहे हैं तो उसमें हमारे पास पौष्टिकता नहीं है, तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग जो फूड सप्लीमेंट ऐसा खाएं जो आज के डेट में हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पौष्टिक आहार हमें चाहिए आज के समय में उतना मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए हमारी कंपनी के पास है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसकी इतनी अच्छी खासियत है कि एक स्वस्थ इंसान को 46 तरह का पोषक तत्व चाहिए, लेकिन हमारे पास जो स्पाइरुलिना है उसमें 48 तरह का पोषक तत्व है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 24 घंटा तरोताज़ा महसूस करिएगा। इतना ही नहीं दोस्त, हम आपको बोले कि हमारा जो सेल है, सेल कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। ये अनानास के तरह छोटा आलू के आकार का एक तरह का फल है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, जिसको हम लोग नोनी बोलते हैं।
और इसका आप इस्तेमाल करिएगा तो आपकी कोशिका जो है वो अच्छा रहेगा, और आपको कोशिका में किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन जो आ रहा है वो धीरे धीरे जानते हैं कोशिका को बैलेंस करता है, यानी नोनी जो है बहुत तरह का समस्या जो होता है व्यक्ति के अंदर जो कोशिकाओं में आता है उसका वो निदान करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि ये सारा का सारा चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जानते हैं शरीर जो है वो अच्छा होता है, और जब शरीर जब अच्छा हो गया तो आपका सेल अच्छा रहेगा, तो कभी बीमारी नहीं होगा। जब सेल अच्छा रहेगा तो टिश्यू अच्छा होगा, और टिश्यू अच्छा रहेगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑर्गन अच्छा रहेगा, ऑर्गन ठीक रहेगा सिस्टम ठीक रहेगा, और सिस्टम ठीक रहेगा तो आपका बॉडी ठीक रहेगा। लेकिन एक छोटी बात हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त कि बीमारी कभी शरीर में नहीं होता है, सबसे पहले सेल में आता है। सेल से बढ़ के जानते हैं वो कहाँ जाता है, तो सेल से टिश्यू में जाता है, टिश्यू से ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन से सिस्टम में जाता है, सिस्टम से बॉडी में जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त कि अगर आप अच्छा चीज़ खाते हैं तो जब आप इंटरनल मजबूत रहिएगा तो कोई बीमारी आपको पकड़ेगा नहीं। क्योंकि एक छोटा बात हम आपको उदाहरण से बताएंगे, एक बच्चा को जन्म लेने में 9 महीना लगता है, यानी 9 महीना के बाद बच्चा जो है वह दुनिया के सामने दिखता है, समाज के सामने दिखता है, माँ के गोद में आता है 9 महीना के बाद। लेकिन वही बच्चा 9 महीना पहले माँ के गर्भ में आता है। तो जो बीमारी हमको आपको या किसी को भी हो रही है वह बीमारी आज आपके शरीर में प्रवेश नहीं किया, वह बीमारी आपके शरीर में गया 2 साल 2.5 साल पहले, लेकिन दिखा आपको 2 साल 2.5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो गया आपके सेल में, आपने ध्यान नहीं दिया तो सेल से बढ़ के गया टिश्यू में, टिश्यू से फिर बढ़ के गए कहाँ भाई, तो ऑर्गन में गया, फिर ऑर्गन से बढ़ के सिस्टम में गया, जब सिस्टम में आया तो फिर आपने फील करना शुरू किया और उसके बाद आपके बॉडी में आया। तो हमारा कहना क्या है दोस्त कि हम लोग बेसिकली आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को यह बताते हैं कि अगर आप फूड सप्लीमेंट का उपयोग कीजिएगा तो आपका तन अच्छा रहेगा। और दूसरा जो चीज़ हम लोग बता रहे हैं, जो कैसे हम आपने आपको बताया कि बीमारी और बेरोजगारी, तो ये आपका जानते हैं जब तन अच्छा रहेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक जो है आपसे दूर रहेगा। और रहा बात बेरोजगारी का, तो अगर आप इसको प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, हमारे मैक्सवेल के प्रोडक्ट को अगर आप लोगों के बीच चर्चा करते हैं तो बतलाते हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जितने लोगों को बताते हैं, जितने लोग आपके टीम में आते हैं, सारे के सारे लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से लाभ होता है, बहुत सारा इंसेंटिव मिलता है, बहुत सारे लोगों बहुत सारे तरह का जानते हैं अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो रहा है। और आज कहते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आज हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो आज मैक्सवेल के बैनर तले, मैक्सवेल के प्लेटफॉर्म से, इसी कंपनी के माध्यम से कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्त ये एक अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है लोगों का, और हम लोग का बेसिक जो है यही है कि हम लोगों के तन पे काम करते हैं और लोगों के धन पे काम करते हैं, कि लोगों का तन अच्छा कैसे रहे, लोगों का धन अच्छा कैसे रहे। और बेसिकली जानते हैं जैसे हमारा जो स्लोगन है, हमारी जो मेन जो हम लोग का सोच है वो है हमारा स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, कि जब लोग बीमार नहीं होंगे तो हमारा भारत स्वस्थ होगा, और जब लोगों के पास पैसा आएंगे तो हमारा भारत समृद्ध होगा। हम यही लोगों को चर्चा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और यही हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जानते हैं हर्बल को, आयुर्वेद को अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद को अगर आप अपनाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो आज के डेट में बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है लोगों को। तो सबसे पहले बात क्या है कि आयुर्वेद अपनाइएगा तो किसी भी तरह का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप फिट रहिएगा, और इसका प्रचार प्रसार करते अगर मैक्सवेल के बैनर तले तो आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हम आपको यही बोलेंगे कि आप लोग एक नया मिशन है, एक नई क्रांति है, एक नया जज्बा है, और ये कहते हुए बड़ा खुशी होता है कि बिहार की धरती से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। क्योंकि लोग कहते हैं दोस्त कि अपना घर जो होता है, अपना जन्मभूमि जो होता है, वो स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। तो हमारी कहते हुए बड़ा खुशी होती है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं, तो बिहार में पैदा हुए हैं, तो बिहार की धरती से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, और हम चाहते हैं कि बिहार से स्टार्ट करके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इसका परचम हम लोग फहराएं। और आज ही बड़ा खुशी है कि हम लोग 3-4 स्टेट में इस कंपनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम अपने लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी जानते हैं आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, योगा करिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सूर्योदय से पहले उठिए, अच्छा दिनचर्या, अच्छी लाइफ स्टाइल का पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।